संध्या, विंता और नवनीत के बाद एक्ट्रेस दीपिका अमीन ने भी आलोक नाथ पर लगाए हरासमेंट के आरोप। सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों में घिरे सीनियर एक्टर आलोक नाथ पर एक के बाद एक एक्ट्रेसेस अपने आरोपों के साथ सामने आ रही हैं। राइटर प्रोड्यूसर विंता नंदा के बाद फिल्म हम साथ साथ हैं की एक क्रू मेंबर एक्ट्रेस संध्या मृदुल और नवनीत निशान ने भी आलोक पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं उन पर, और एक और ऐसा आरोप लगा है। एक्ट्रेस दीपिका अमीन ने आलोक नाथ पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर इस बारे में कहा है, पिछले कुछ दिनों में कई महिलाएं और एक्ट्रेसेस ने सेक्सुअल हरासमेंट पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए खुलासे किए। आलोक नाथ के अलावा विकास बहल, नाना पाटेकर, रजत कपूर जैसे कई बड़े नामों का खुलासा हो चुका है। दीपिका ने आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा, इंडस्ट्री में सभी लोगों को पता है कि आलोक नाथ एक ऐसे नशेबाज हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं। कई साल पहले एक टेलीफिल्म के आउटडोर शूट के दौरान उन्होंने जबरन मेरे कमरे में घुसने की कोशिश की थी। महिलाओं को देखकर उनकी लार टपकने लगती है, वो शराब पीते हैं और सीन क्रिएट करते हैं। मैं सुरक्षित रहूं ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी यूनिट मुझे घेरे रहती थी। दीपिका ने विंता नंदा की पोस्ट को शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा, हालांकि आलोक नाथ सोनू के टिट्टू की स्वीटी की शूटिंग के दौरान काफी शांत थे, हो सकता है कि वो बदल गए हो, या हो सकता है कि इसलिए शांत हो क्योंकि डायरेक्टर लव रंजन ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि वो बुरा व्यवहार सहन नहीं करेंगे। लेकिन विंता की पोस्ट पढ़ने के बाद मेरा दिल टूट गया और मुझे लगा कि मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।